सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैपकोट पर्टिकुलर प्लगइन के रिगार्डिंग। एंड जिसने भी गाइस पहली वाली वीडियोस को नहीं देखा है, प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ कॉम्पोजिशन, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जो भी आपको यहाँ पे नाम देना है आप यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू सॉलिड, और यहाँ पे अगेन आप कुछ भी नाम टाइप कर सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पे टाइप कर दिया पार्टिकल्स। इसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर प्लगइन, सो इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप आरजी ट्रैप कोड और यहाँ पे क्लिक करेंगे पर्टिकुलर। इसके बाद अभी यहाँ पे पार्टिकल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सो यहाँ पे आपको क्लिक करना गाइस एमीटर के ऊपर। और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे कुछ ये वाले ऑप्शंस देखे थे, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे ओबीजे मॉडल की। इसके बाद आज हम यहाँ पे कुछ ये वाले ऑप्शंस देखेंगे, डायरेक्शन वाले ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस यहाँ पे ओबीजे मॉडल। तो सबसे पहले गाइस आपको किसी भी 3D सॉफ्टवेयर से, चाहे वो आपका माया हो या आपका मैक्स हो या ब्लेंडर हो, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो वहां से आपको अपने मॉडल को ओबीजे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आप नेट से आप ओबीजे मॉडल यूज कर सकते हैं। और बेसिकली हम उन ओबीजे मॉडल्स को हम पार्टिकल्स की फॉर्म में एनिमेट करते हैं। सो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है ओबीजे मॉडल के ऊपर। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा चूज ओबीजे, सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ बने बनाए आपको यहाँ पे ओबीजे मॉडल्स मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना खुद का यहाँ पे मॉडल को इम्पोर्ट करना है, सो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन एड न्यू ऑब्जेक्ट। सो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, सो आपको यहाँ पे पीसी की लोकेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी आपका 3D मॉडल है ओबीजे फॉर्म में, आप वहां से इसको जस्ट ओपन कर लो। सो जैसे मान लो अभी हमारे पास यहाँ पे एक कार का मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट इसको सिलेक्ट किया इसकी बॉडी को और यहाँ से किया ओपन। ओपन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे लोड हो गया है, जस्ट आपको यहाँ पे ओके प्रेस करना है। इसके बाद अभी आप देख सकते हो कि अभी हमारे पार्टिकल्स बहुत कम है, सो मैंने यहाँ से जस्ट पार्टिकल्स को इंक्रीज किया और यहाँ पे मैं वेलोसिटी को कर रहा हूँ 0। अभी इसकी बात करेंगे हम जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं वेलोसिटी के। सो नाउ यू कैन सी कि हमारी यहाँ पे कार इंपोर्ट हो गई है और वो कुछ पार्टिकल्स की फॉर्म में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। गाइस आने वाली वीडियोस में हम ओबीजे मॉडल्स का यूज करेंगे, ठीक है, बट अभी आप यहाँ पे जस्ट इसको इतना समझो कि अगर आपको कोई भी मॉडल को आपको एज अ ओबीजे यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, सो आप यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो और वहाँ पे वो पार्टिकल्स की फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाए। अब वापस आपको यहाँ पे क्लिक करना है चूज ओबीजे में, अगर आप चाहते हो कि आपको इसे रिमूव करना है यहाँ से, सो यहाँ पे राइट क्लिक करो उसके ऊपर, यहाँ पे आपको मिलेगा शो इन एक्सप्लोरर। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी फाइल होगी वहाँ पे लोकेशन को ऑन कर देगा, ठीक है। और अगेन राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे आपको मिलेगा रिमूव। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं रिमूव के ऊपर, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो ये फाइल है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी। सो कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ पे ऑप्शन काम करता है। यहाँ पे रिमूव होने में गाइस 3 से 4 सेकंड यहाँ पे लग सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो ये फाइल थी यहाँ पे रिमूव हो गई है। इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, यूनिफॉर्म डायरेक्शन, बी डायरेक्शनल, डिस्क एंड आउटवर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म की, और यहाँ से मैं इसे कर रहा हूँ रीसेट। और सबसे पहले यहाँ पे मैं इसके पार्टिकल्स को इंक्रीज कर रहा हूँ लाइक 1000। अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो डायरेक्शनल का यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट है वो है यूनिफॉर्म। पॉइंट में अभी आपको गाइस कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉइंट में बेसिकली एक पॉइंट से पार्टिकल्स एमिट होते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको जस्ट क्लिक कर रहा हूँ बॉक्स में, ठीक है, सो दैट हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाए कि बेसिकली इन सब में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद अभी जैसे मान लो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब गाइस बेसिकली क्या होता है कि पार्टिकल्स आपके कहीं से भी एमिट होंगे, मतलब कहीं से भी पार्टिकल्स स्टार्ट होंगे, उनकी कोई पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ, सो आप देख सकते हैं कुछ पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ना यहाँ पे कोई इसकी कोई एक डायरेक्शन है। सो यूनिफॉर्म यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करता है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डायरेक्शनल, ठीक है। सपोज दैट अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डायरेक्शनल के ऊपर, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमें एक प्रॉपर बॉक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे गया, अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ फिजिक्स के ऊपर, और यहाँ पे आपको मिलेगा एयर, और यहाँ पे मैंने इसके विंड को कुछ इस टाइप से यहाँ पे मूव किया लाइक एक्स एक्सिस में। सो नाउ यू कैन सी पार्टिकल्स यहाँ पे अभी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं यूनिफॉर्म में, तो यहाँ पे पार्टिकल्स देखो किस टाइप से यहाँ पे स्प्रेड हो रहे हैं, बट डायरेक्शनल में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इट मीन्स पार्टिकल्स किसी एक डायरेक्शन में यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलता है डायरेक्शनल स्प्रेड। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 0, तो जो यहाँ पे पार्टिकल्स की जो स्प्रेड है, मतलब पार्टिकल जो यहाँ पे पहले फैल गए थे, अब वो यहाँ पे नहीं फैलेंगे,
नाउ यू कैन सी कि पार्टिकल्स अब यहाँ पे स्प्रेड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन के स्प्रेड यहाँ पे कंट्रोल करने है, सो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा बी डायरेक्शनल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बी डायरेक्शनल में, अभी आपको यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। मैं अभी यहाँ पे इसको जस्ट रीसेट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से, और अगेन यहाँ पे मैं पार्टिकल्स के यहाँ पे जस्ट पार्टिकल सेकेंड्स बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ बी डायरेक्शनल, और यहाँ पे मैं इसको जस्ट कर रहा हूँ रोटेट कुछ इस टाइप से। नाउ सी गाइस, इसका मतलब होता है बी डायरेक्शनल, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ डायरेक्शनल तो बेसिकली पार्टिकल एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ बी डायरेक्शनल, इट मीन्स पार्टिकल्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे जाएंगे। नाउ सी, इसका मतलब होता है बी डायरेक्शनल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन, डिस्क। गाइस, डिस्क में आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, और आप इसको जस्ट यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के यहाँ पे शेप देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आउटवर्ड्स की, और यहाँ पे मैंने इसे किया जस्ट बॉक्स। सो आउटवर्ड्स एंड यूनिफॉर्म बोथ आर सेम, बट यहाँ पे एक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं इसे करता हूँ यूनिफॉर्म, सो बेसिकली क्या होगा कि पार्टिकल्स रैंडम यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं और रैंडम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको आउटवर्ड्स में, तो नाउ यू कैन सी कि पार्टिकल्स यहाँ पे एक डायरेक्शन से यहाँ पे निकल रहे हैं। अगर पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं तो इक्वली यहाँ से पार्टिकल्स, सिर्फ पार्टिकल्स यहीं से निकल रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ यूनिफॉर्म, तो पार्टिकल्स की यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये यहाँ पे रैंडमली निकल रहे हैं। आउटवर्ड्स और यूनिफॉर्म में सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है, वो यही है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इनके ऑप्शन देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको अगेन कर रहा हूँ यूनिफॉर्म, और यहाँ पे इसको कर रहा हूँ पॉइंट, अभी मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ बॉक्स, और यहाँ पे कर रहा हूँ वेलोसिटी को 0। नाउ अब यहाँ पे आपको मिलते हैं गाइस एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन एंड जेड रोटेशन। बेसिकली यहाँ पे हम पार्टिकल्स के यहाँ पे रोटेशन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स वाई जेड। और यहाँ पे आपको मिलता है गाइस एमिटर साइज। अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एमिटर एक्स वाई जेड अभी यहाँ पे एक साथ है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे एक साथ यहाँ पे स्केलिंग कर रहे हैं साइज की। और अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करो इंडिविजुअल के ऊपर। सो नाउ यू कैन सी कि आप यहाँ पे इसको मैनुअली यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो इसके साइज को। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं लाइक वेलोसिटी, अब हम इनकी बात करेंगे। सो अभी मैं इसको अगेन यहाँ पे कर रहा हूँ रीसेट। अब गाइस सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलता है वेलोसिटी। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ डायरेक्शन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन को डिफाइन करता है वेलोसिटी। अगर मैंने कोई बॉल को थ्रो किया है, मैंने किसी बॉल को फेंका है, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी और किसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ जाएगी, तो उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूँ कुछ इस टाइप से, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ इस टाइप से यहाँ पे बढ़ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को कम करता हूँ लाइक 50, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पार्टिकल्स की यहाँ पे स्पीड और जो भी इसका यहाँ पे एरिया है पर्टिकुलर, वो भी यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे वेलोसिटी काम करती है जहां से आपका पार्टिकल्स की बर्थ हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी इसके बर्थ रेट एंड डेथ रेट को यहाँ पे डिफाइन कर रही है। और जैसे जैसे आप यहाँ पे वेलोसिटी की आप यहाँ पे वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे, सो यहाँ पे पार्टिकल्स की स्पीड भी यहाँ पे फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं अराउंड 100। अब गाइस यहाँ पे आपको मिलता है वेलोसिटी रैंडम। नाउ यू कैन सी, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा हूँ, नाउ सी वेलोसिटी रैंडम, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स है मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी रैंडम का यहाँ पे ये मतलब होता है। यहाँ पे आपको मिलता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात यह है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करती है वेलोसिटी रैंडम को। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज करता हूँ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ इस टाइप से, नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका जो पूरा एरिया यहाँ पे वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कुछ इस टाइप से। लेकिन अगर यहाँ पे मैं करता हूँ वेलोसिटी रैंडम को 0, और उसके बाद यहाँ पे मैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करता है आपके वेलोसिटी रैंडम को। जितना ज़्यादा आपका वेलोसिटी रैंडम होगा, उतना वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करेगा। अगर आप यहाँ पे इसको कर दो 50, और नाउ अब आप इसके बाद यहाँ पे इसको इंक्रीज करो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, सो नाउ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेगा सी कुछ इस टाइप से। सो गाइस लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बचता है वेलोसिटी फ्रॉम मोशन। सो इसके लिए यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर से रीसेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ डिजाइनर के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मोशन डिफॉल्ट के ऊपर, और यहाँ पे आपको मिलेगा वेलोसिटी फ्रॉम मोशन।
अगर मैं इस पार्टिकल्स को फ्री हैंड मूव करता हूँ ना, यू कैन सी कि यहाँ पे जो इसका बैक जो पोर्शन है, ठीक है, वो पार्टिकल्स अभी यहाँ पे आगे आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ इस पार्टिकल्स को -20, सो पार्टिकल्स यहाँ पे पीछे की ओर यहाँ पे जा रहे हैं। सी, जो यहाँ पे इसके पार्टिकल्स पीछे से यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे पीछे की ओर यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी फ्रॉम मोशन कंट्रोल करता है आपके पीछे वाले पोर्शन को। सो आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगेन अगर मैं आप इसे कर दूंगा प्लस में इसकी वैल्यू को लाइक 30, सो नाउ यू कैन सी अब ये यहाँ पे आगे की ओर यहाँ पे इसके पार्टिकल्स गिर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे वेलोसिटी फ्रॉम मोशन काम करता है। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ अपने काम के रिगार्डिंग। एंड तब तक ले गाइज, टेक केयर, बाय बाय।